हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज है संडे और संडे को मैंने ब्लॉग चालू किया है। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी जैसे मैं उठा हूँ थोड़ी देर पहले, मतलब उठता हूँ थोड़ी देर, मतलब आधा घंटा हो गया, थोड़ी देर पहले नहीं, आधा घंटा हो गया फ्रेश फ्रेश होके। इधर मम्मी कर रही है सुबह उठ के पूजा, वैसे नवरात्रों का टाइम चल रहा है आपको जैसे कि पता है, वो चल रही है हमारी जोत जो कि 9 दिन चलेगी और आज है 8वां दिन, 8वां आज। तो आज के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और बाहर दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है। बाहर शिवानी कर रही है, उधर बना रही है शिवानी का नहाय फट सब, और विक्की भी ऊपर से नीचे आया। उसके साथ देखे जा रहे हैं हम लोग बापू नगर। ये तो इसको मैंने बोल दिया तू पोहा बना के तैयार रख और मैं जल्दी जाके जल्दी वापस आता हूँ। थोड़ा बहुत पानी डालना है और पानी डाल के जल्दी वापस आएंगे अपन। खांसी हो गई बहुत जोर से, थोड़ी जल्दी बन, जल्दी मतलब आधा घंटा तो लगेगा भाई यहाँ जाने में, 5 मिनट आने में। क्यों हो रही है तो रवि क्या है? ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि शिवानी ने किया होगा तो डाल देगी। तीन चार दिन से मोटर बंद, मोटर की आवाज़ चेंज हो गई थी। 3-4 दिन से हम लोग रात को घूमने जा रहे थे, गरबा देखने, 2-2 बजे जा रहे थे, तो गला ठंडी लग के गला बैठ गया है कंटिन्यू। तो धीमे धीमे गर्म गर्म पानी पी रहा हूँ, तो जल्दी लाइन पर आ जाऊँगा। सो गाइस, विकास आ गया बाहर और अपन चलते हैं सीधे बापू नगर। तो अपने भाई ने कर दिया बाइक रेडी, तो अभी आ चुके हैं अपन घर। ये देखो यहाँ से बन के रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत बाकी है, जैसे कि यहाँ पर कटिंग लगना बाकी है, इसकी फिनिशिंग आना बाकी है। तो ये देखो फ्लोरिंग वगैरह रेडी है बिल्कुल, ये बैनर है वो भी रेडी हो गया एकदम। तो किचन में, किचन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट पूरा। और ये हमने उस दिन मटकी रख दी थी क्योंकि भी दिन अच्छे थे, तो अभी छठ को मटकी रख के गए हम लोग। तो क्या है, नवरात्रों में शिफ्ट तो नहीं पाएंगे लेकिन मटकी रखती है यहाँ पे। ये रेडी, बाहर साइड का बाग भी रेडी हो गया है। तो चलते हैं अपन ऊपर और देखते हैं ऊपर बाथरूम में जो टाइल्स लगी है उसमें क्या पोजीशन है। तो ये आ चुके हैं अपन ऊपर, नहीं अभी फ्लोरिंग होना बाकी है, इतने में फ्लोरिंग करनी है अभी। ये रूम की फ्लोरिंग तो हो गई थी और ये रही बाथरूम जो कि कल टाइल्स वगैरह लगी है इसके अंदर। तो गाइस डाल दिया अंदर पानी, बाथरूम को मैं डाल दिया क्योंकि बाथरूम ही कल लगा हुआ, तो बाकी थे तो पहले का बना हुआ है जैसा कि आपको बताया। और यहाँ पर देखो ये रेत वगैरह पड़ा है ना अभी, तो इस पूरी फ्लोरिंग होना बाकी है अभी। तो ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा है, सब एक साथ करता नहीं, बाथरूम की फ्लोरिंग कर दी, बेडरूम कर दिया, बाथरूम में टाइल्स लगा दी, नीचे कम्प्लीट कर दिया, अब इतना बाकी है। चलो इसकी वजह से यहाँ से नीचे उतरो चप्पल पहन के तो नीचे गंदा होता है और नीचे से ऊपर आओ तो ऊपर गंदा होता है। तो आज भी ये भैया आए तो इनको बोलूँ कि भाई पहले यहाँ का ख़त्म करो, बाकी बात दूसरा करना। देखो वहाँ पर भी रेती पड़ी है, यहाँ पर भी रेती पड़ी है, सब कचरा वगैरह पड़ा है यहाँ पर भर के, सब फेंकवाना है आज। सारा बोल देते कि भाई जो जो बिना काम की चीज़ यहाँ से फेंक ही दो तो बढ़िया है। तो अभी चलते हैं नीचे और नीचे देखते थोड़ा दीवारों के साथ छठ पानी डाल देते, टाइल्स वगैरह लगी है, स्कर्टिंग वगैरह लगी है। तो घर जाके वापस आया और देखा यहाँ पर तो कि प्लास्टर हो रहा है बाहर साइड जो वॉल है कोर्ट की वॉल, उस पर अपने घर के सामने, तो ये लोग प्लास्टर कर रहे हैं और अपन यहाँ दूसरा कुछ देखते हैं। यहाँ पर ही रहूँगा आज मैं, वैसे भी संडे है। तो देखो ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर आई थिंक कुछ चालू ही नहीं हुआ है अभी लग रहा है मुझे। अच्छा ये भाई बैठा तो है, पता नहीं क्या कर रहा है, सीमेंट बना रहा है अंदर, टाइल्स लगा रहा है बंदा, यस टाइल्स ही लगा रहा है। तो इधर लग रही है टाइल्स बाथरूम में जो ऊपर साइड। हेलो, अभी बज रहे हैं शाम के, कितने बज रहे हैं बताना? 4 बज रहे हैं, पानी मंगाया। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ, ये भी सो गई थी उपास में, कोई सोता है? ये सो गई थी, बोलो उपास में। 9 दिन का है, 9 दिन में सोने का, दिन में नहीं सोने का, दिन में नहीं सोने का, रात में सोने का। अपने लोग गरबा रहे थे वहाँ पे, सबको नींद पूरी होती है ना, वो मैं ब्लॉग डालने वाली हूँ गाइस, बहुत जल्दी। अभी तक डाला नहीं है ना ब्लॉग, गरबा का ब्लॉग, गरबे का ब्लॉग इसने आई थिंक 2-3 दिन से पहले शूट करके रखा है, बट डाला अभी तक नहीं है, एडिट हो चुका है ऑलमोस्ट। आज शाम को 6 बजे आपको मिल गए, लेट्स सी आज एनी टाइम तो बता दो, क्योंकि हमारा व्लॉग कब का है। 6 बजे आएगा।
सो गाइस अभी मैं पी रहा हूँ पानी, बहुत प्यास लग रही थी और इसको रेडी करवा दिया है। मैंने बोला चल तू भी देख के आ जा, हमको संडे के दिन मेरे को टाइम रहता है तो मैं सुबह सुबह जाऊंगा। फिर मैं दोपहर में जैसे कि आज सुबह गया था, पानी डल गया, उसका घर पर आके नाश्ता वगैरह किया, देन फिर नहा धो के फिर गया, फिर आने के बाद खाना वगैरह मैंने खाया और फिर सोया थोड़ी देर और वापस जा रहा हूँ। 4 बज गए तो वापस से देख के आता हूँ कितना क्या हुआ है और आगे क्या करना है तो डिस्कस कर देता हूँ जगदीश भाई से कि भाई क्या कैसे करना है, क्या बाकी है अभी, क्योंकि मुझे संडे को ही टाइम मिलता है, सारा कुछ मेरे को संडे को ही देखना पड़ता है। बाकी दिन तो सुबह जाऊंगा मैं, आधे घंटे रुकूंगा और वापस वहां से निकल जाऊंगा ऑफिस, फिर वहां से आऊंगा तो रिटर्न में जाता भले हूँ लेकिन वहां कोई होता नहीं, खाली देख के आया तो क्या हुआ क्या नहीं। ये कभी कभार बीच में इसको एक दिन दो दिन मैंने भेजा था, मतलब जाओ वहाँ पे देखो, क्योंकि यार अपने सामने खड़े रहते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहता है कोई काम कर रहा है तो। बाकी अगर कोई नहीं होता तो उसके साथ भाई यहाँ तो सब लोलम लोल है, जैसा करना है वैसा करो, तो सामने मतलब कोई खड़ा था तो भले उसको कुछ पता नहीं चलता, जैसे कि उसको कुछ पता नहीं चलता था लेकिन खड़ा है तो मैंने खड़ी तो रहेगी ना वहाँ पे, स्पीड क्या बढ़ाओ, मजदूरी भी थोड़ी करवा रहे तुम्हें, ठेके पे करवा रहे और ठेके शिफ्ट करना है इसलिए बोल। अरे वो तो ठीक है, चलो ठीक है, आप ऐसे मजूरी वो नहीं कहा जलेली करो तो ठेके पे तो उनको टेंशन नहीं होती, बाकी तो रोज तो मजूरी पे तो भाई आज का दिन एक दिन का इतना तो वो टाइम लगाएंगे, बाकी ठेके पे तो उनको देखना है, वो चाहे 5 दिन में पूरा करना, चाहे 5 महीने में या 5 साल में, वो उनको देखना है। तो 5 साल सुबह ही सीधे चलते हैं, अभी मैं पानी में के सीधे निकलते हैं अपने पापा उनका मिलते हैं। तो ये आ चुकी है यहाँ पर पार्किंग टाइल्स जो कि फर्स्ट फ्लोर टेरेस पर लगने वाली है, आई थिंक चालू हो गया है काम, कि यहाँ पर पेटियाँ 2-3 खुली पड़ी है, देखो इधर प्लास्टर भी कंप्लीट हो गया है साइड में, रेडी, और ये बना रहे हैं यहाँ पर स्टेप जो कि 2 स्टेप आएंगे हमारे घर के बाहर, 2 स्टेप आएंगे, 1-2 और डायरेक्ट तीसरा अंदर। तो ये आ चुके ऊपर और ऊपर लगा, देखो काम चालू है, 2 जन लगा रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारा कुछ टाइल्स है, इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन है, ब्राउन और थोड़ा वाइट जैसा, वाइट नहीं कह सकते बट मैट वाइट जैसा कुछ है। वहाँ से निकलते ही हम लोग पहुँचे हमारे घर के पास, पुराने घर के पास, जो कि फैब्रिकेशन वाली शॉप है, जहाँ के मैंने अपना सारा काम दिया हुआ है, विंडो वगैरह ग्रिल वगैरह बनाने का। ये रहा हमारा दरवाज़ा, ये रही हमारी एक विंडो और एक ये बन रही है यहाँ पर, अलग अलग ग्रिल है, 3-4 ग्रिल है हमारी। तो जैसे ही घर पे पहुंचे वैसे ही एक पार्सल वाला आ गया फ्लिपकार्ट से हमारा पार्सल लेके, जो कि हमने बिग बिलियन डेज में ऑर्डर किए थे। इसमें हमने क्या ऑर्डर किया था शिवानी, इसमें हमने एक मेरे लिए है जो कि है कुर्ता पजामा, नहीं कुर्ता, हाँ, और इनके लिए भी एक कुर्ता है जो कि अभी आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो मुझे इनके लिए बहुत ज्यादा पसंद आया, जो कि शायद व्हाइट कलर का होगा, मे बी व्हाइट कलर का ना, व्हाइट कलर का। तो मैं फटाफट इसको चेक करता हूँ, मुझे जाना है कहीं दोस्तों के पास, तो ओपन करो ना फटाफट, कैसा है क्वालिटी, कैसी वगैरह रिव्यू हो ही जाए आज, यहाँ कहीं पे खड़े खड़े हो जाए आज, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे में जो सस्ता आइटम देता है वो अच्छा देता है या खराब देता है। देर मत करो यार, जल्दी जल्दी ओपन करो। तो ये तो सबसे पहले इसने मेरा कुर्ता ओपन किया है, क्या लिखा है इस पे, मैजेस्टिक मैन। तो ये कुर्ते की क्वालिटी सबसे पहले तो देखने में तो सब अच्छा लगता है ऑनलाइन कपड़ों में, खास कपड़ों में चीट बहुत होता है, लेकिन क्वालिटी वगैरह पता चलेगी कैसी क्या है। यह शर्ट टाइप ही है, इससे आई थिंक मेरे को लग रहा है मेरी बहुत ज्यादा बड़ा है, बड़ा आ गया साइज का, मे बी क्या किया था आपने, कौन सा मोबाइल तुमने किया था ऑर्डर, याद करो, मैंने नहीं किया, मैंने किया था अपने, तो मीडियम का इसको मतलब देखो यहाँ पे लिखा होगा इस पे एम साइज लिखी है, मीडियम, मैं तो बोल रहा हूं मैं तो मीडियम साइज की थी, ये तो बहुत बड़ा आ गया, मेरे को नहीं आएगा ना, आई थिंक बड़ा पड़ेगा ना, नहीं इसको आपको फिटिंग करवाना पड़ेगा, आप इतना नहीं आ जाएगा, हिसाब से पहन के देखना पड़ेगा, नहीं आएगा कोई नहीं, क्वालिटी वगैरह कैसी चेक करो कपड़े की, हां प्योर कॉटन लग रहा है ना, आई थिंक कॉटन है, वाइट है, ये अच्छा है, मैं अपना देखती हूं, अब शिवानी अपना खोलेगी, अब खोलो तक मैं यहां इस पर बैठता हूं। मैंने इसका पेयर जो होता है मैंने वो किया था, तो एक बार देखते हैं वो वाला है या फिर सिंगल पीस, हाँ ये चीट, मैंने चीट 2 किए थे चीट, ये पेयर है ये पेयर वाला प्लाजो है क्या, प्लाजो है, यस, जो को मुझे बेकार लगा, नहीं अच्छा कपड़े की क्वालिटी, ओह टू लाइट कपड़ा है तो यार, बेकार कपड़े क्वालिटी है, तो मैं इसको रिटर्न नहीं करवाने वाली हूँ, उसका कपड़ा भी मुझे बिल्कुल बेकार लग रहा है, किसका, बिल्कुल पतला है,
और कपड़े क्वालिटी भी ऐसा है कि अगर एक बार कुछ हो गया तो ये फट जाएगा, तुरंत फट जाएगा। दिखाना, प्रॉपर दिखाइयो खोल के, कैसा लग रहा है? मेरे को तो अच्छा लग रहा है, डिजाइन तो मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने आपसे बोला भी था। डिजाइन तो उसकी अच्छी है, प्रिंटेड भी मस्त है, तो भी एक अलग।